बता रहा था सोनू, मेरा दोस्त सोनू है ना, हाँ? उसको भूत ने पकड़ लिया। क्या नाक्षना बोल रही है, ये भूत कुछ नहीं होता बेटा। चाची लेकिन टिंकू तो ओझा बाबा को लेने गया है। ओझा बाबा, आप अपने मन से पढ़िए, मैं तो सिर्फ गीली पट्टी रख रही हूँ। मास्टर जी, ये तेरे स्कूल का गणित नहीं, ये भूत प्रेत का मामला है, इसमें टांगनाड़ा तो ही ठीक रहेगा। बस बस कीजिए, पुरानी सोच के तो मैं भी नहीं हूँ, पर इस बांझ को तो लाशरम बिल्कुल नहीं है। अपना बच्चा कर नहीं सकती, इसीलिए सारा दिन भटकती रहती भावना को लेके। संभल कर रहना मालकिन, लोग कह रहे हैं कि अगले चुनाव में वो मास्टरनी आपकी कुर्सी छीन लेगी। अरे तू चुप कर, जूती में हीरे लगाने से उस सर का ताक थोड़े ना बन जाती है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम गांव की सबसे पढ़ी लिखी औरत हो, इसलिए गांव का सरपंच तुम्हें ही होना चाहिए। सरपंच? हा? और हम तो, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। आप भी ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, पता नहीं। अरे इतने परेशान क्यों हो रहे हो जी? हवा कुछ खराब चल रही है रमा। ये लता है ना लता, हाँ? तेरी सरपंची छीन कर क्या? हाँ, मेरा इस गांव में बोलबाला बिल्कुल खत्म कर देना चाहती है, लेकिन सरपंच तो तुम ही रहोगी, तुम ही। वो कल रात जब हम भैया की शादी से लौट रहे थे, एक भूत तो मेरे ऊपर ही कूद गया। अच्छा, कितना भारी था वो? ये भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। पर ओझा बाबा तो कहते हैं कि जब वो मंत्र फूंकते हैं तो सब भूत और डायन भाग जाते हैं। अगर इसकी कोई कमजोरी हाथ आ जाए, इसको तो मैं कैंचुओं की तरह सीधा कर दूंगा। तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर दे ओझा जी। अब मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगी जो सुनकर हैरान रह जाओगी। पंडित जी कह रहे थे कि तुम्हारी दौरानी जादू टोना करके अपना बच्चा पाना चाहती है, इसलिए माता को किसी बच्चे की बलि देकर उन्हें खुश करना चाहती है, और उसने बलि के लिए तुम्हारे बिटिया को चुना है। बस वो अमावस्या की रात बच्ची की बलि देगी, दुर्भाग्य से वो रात आज ही है। रिश्तों के जहाज में शक का छोटा सा छेद, अब इसके परिवार के जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। बंद कर अपनी नौटंकी, अगर मेरी भावना को कुछ भी हुआ ना तो हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। भावना की तबीयत अचानक खराब हो गई है और भाभी ओझा को बुलाने गई है। क्या हुआ उसे? पहले डॉक्टर को बुला के लाइए। ठीक है ठीक है, तुम भावना को देखो, मैं डॉक्टर को लाता हूँ। अरे इस पर तो किसी खतरनाक डैन का साया है, उसके लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी। जी बाबा। डैन अपना काम कर गई। डैन? डैन? लेकिन बच्चे को बचाने का एक तरीका है। कौन सा तरीका है ओझा बाबा? हमें डैन को खत्म करना होगा। लेकिन वो डैन है कौन? वो डैन और कोई नहीं, वो तुम्हारी देवरानी है। बता मेरी बच्चिया। बता मेरी बच्चिया। हर डैन यही कहती है, मैं डैन नहीं हूँ, लेकिन ये डैन है। अब तक तूने बलि तो दे दी हो। नहीं। और डायन? कभी सच बोलती है क्या? तू डायन है। तेरे मुंह पर कालक पोत का है। तुझे गांव से निकालना होगा। ले जाओ इसे। नहीं। ले चले इसे। ये डायन है। जमींदार साहब, ये डायन है। डायन है। हमारे गांव में डायन। गांव वालों, हम गांव से बाहर ले जाकर मारेंगे। ले चलो। साजिश कामयाब। हाँ, चलो चलो। साजिश कामयाब,
तो ये साजिश है, मोहन भैया को जल्दी बताना है। मार, मार इसका। छोटू, मोहन भैया कहाँ पर है? वो तो भावना को लेके हॉस्पिटल गए। क्यों, क्या बात? लता भाभी की जान पे बनाई है, जमींदार ने जबरदस्त साजिश रची है। तुम एकदम अस्पताल भागो, मोहन भैया को जल्दी से बताओ, मुझे घर जाना है, मेरे छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। अभी जाता हूँ। अरे अब देख लिया तुमने असली चेहरा इसका, ये डायन है डायन, और ऐसे नहीं मानेगी ये। लाओ दो ताले। ये लो जमींदार साहब। तेरे मुंह पर कालिक पोता हूँ और तुझे अभी इस वक्त गांव से निकालता हूँ। कालिक पोता हूँ तेरे मुंह पर। निकालो बाहर, निकालो बाहर। ये सारे गांव को मार डालेंगे। छोड़ दो भाई, बिल्कुल ये निर्दोष है। नहीं है, वो जमींदारों ने सोचा की चाल है। मुझ पर इल्जाम लगाता है, मुझ पर इल्जाम लगाता है। मारो इस साले को, मारो इसको, मारो गांव वाले को। अरे ये टाइम है, ये टाइम है। अगर तुम गांव में वापिस आई ना तो तेरे आदमी को जिंदा जला दूंगा, जिंदा जला दूंगा तेरे आदमी को जिंदा जला दूंगा। समझे तू, समझे? मारो मारो। देखो अब कर दिया, ठीक हो गया सब। हाँ चलो 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 चलो।
कहो मास्टर रानी साहिबा, कैसी हो तुम? कैसी हो मास्टर रानी? अच्छा ये बता, एक जमा दो कितना होता है? मैं बता, पता है? तीन, तीन होते हैं तीन। अरे सुन तो सही, अरे सुन, और जेठ जी को ये बता दिया होता कि भावना को अस्पताल लेकर गए हैं तो ओझा उन्हें भावना को वापस लाने पर मजबूर जरूर कर देता। बेचारी दीदी कितनी बुरी तरह अंधविश्वास के चंगुल में फंस गई थी। लोग ठीक कहते हैं कि ममता अंधी होती है। पता नहीं मेरी भावना कैसी होगी। इन गांव वालों के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया है, मगर तुम्हें क्या मिला? बस बहुत हो गया, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम कहीं दूर जाकर रहेंगे। नहीं रहेंगे इस गांव में अब। नहीं, हम ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हारा तो खराब नहीं हो गया, पागल हो गए क्या? इतने कुछ होने के बाद भी जिसकी इज्जत लूट गई हो उसके पास हिम्मत के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। अभी भी हमारी हिम्मत बाकी है, बाकी है। आप तो हमारा साथ देंगे ना? तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो और किसका दूंगा? दुख तो हमें सिर्फ इस बात का है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सके। मेरे जीते जी तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। लानत है मुझ पर, लानत है। खतरे से बाहर। शुक्रिया भगवान का, तो दोनों उतरे मैदान जंग में। हिम्मत है मर्दा, तुम मदद खुदा।
इन चोटों को ऐसे रहने दो ताकि गांव वालों को भी औजा और उस जमींदार का असली चेहरा नजर आए। तो चले सबक से खाने। चलो जिन्नात की शहंशाह सुनो की रानी, बड़े बड़े भरते तेरा पानी जय कालका महारानी। सबसे पहले किसके पास? ओझा के पास। तो फिर चलो। इसका दूसरा पैर भी मलो। हाँ ये जोर जोर से मल। ओझे बाबा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कब से तो आप कहे जा रहे हो। अरे होगा, अरे होगा होगा ना, होगा नहीं होगा। ओझे बाबा आप जय कालका महारानी, बड़ा है तेरे दर पे एक सवाल ही, इसे भी भला चंगा कर। एक बलात्कार और करना है। क्या करेगा तू? बलात्कार करेगा? तूने बलात्कार किया था? हाँ किया था, लेकिन लेकिन ये सब उस पंडित का करा था। अरे ओझा, तेरे कहने पर हमने इस बेकसूर और नेक औरत को मारा, उसे गांव से बाहर निकाल दिया, तो वो तेरी चाल थी। अच्छा, ले चला उसको पंडित के पास। ले जा उस पंडित के पास। पंडित के पास ले जा। ओ गांव वालों, ले चला उसको, इसी ने किया बलात्कार। ले जा उसको पंडित के पास। संभालो अपने आप को भावना की, मत संभालो। ऐसे करोगी तो मिलकर ढूंढ कैसे पाएंगे बच्ची को? संभालो अपने आप, संभालो, संभालो, संभालो। अरे भावना, अरे मेरी बच्ची, कहाँ मिली? अरे मेरी बच्ची कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? हे भगवान, लक्ष्मी तो दीजिए। अब तो मनोकामना पूरी हो जाएगी ना? आपकी मनोकामना बिल्कुल पूरी हो जाएगी। मेरी भावना को प्रसाद में जहर देने वाला भगवान की शरण में बैठा है। बोल कितने में बेचा तूने अपने भगवान को? जिस आदमी का जमीर मर जाए वो पुजारी नहीं हो सकता। बता इन सबको, बता तेरे को जमींदार ने कितने पैसे दिए थे इस साजिश के लिए? 5,000 रुपए। मेरी बात बता रहा, बता बता। अरे ये मजाक, तूने जहर दिया मेरी टैक्सी को। तू इतनी चिंता क्यों करता है? जा, तेरा काम हो जाएगा, जा। तू तो इस गांव की सरपंच है ना? हाँ हूँ। तो कर फैसला, इस पंडित और ओझा ने मिलकर मेरी भावना के प्रसाद में जहर मिलाया। क्या? और इल्जाम मुझ पर लगाया। और इतना ही नहीं, तेरे पति और इस कमीने ओझा ने मेरा बलात्कार किया।
तू तो एक औरत है ना, जानती है एक औरत की इज्जत टूटने की पीड़ा। अब कौन न्याय इन सारे गांव वालों के सामने? देखो देखो गांव वाला बलात्कार करके छाक रहा है, आ जाए उसको बाहर निकाल दे। निकल 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 निकल। देखो देखो गांव वाला इस बलात्कारी को, इसी ने बलात्कार किया है, और अब तू कर इसका फैसला। मैं तेरी औरत हूँ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरी औरत को छूने की, और तो और उसका बलात्कार करने की? नहीं बनना है मुझे सरपंच। कितने पाप किए हैं मैंने, कितने सालों से लोगों को बेवकूफ बनाती रही तुम्हारे कहने पर। लता को डायन बताया तुम्हारे कहने पर, हर साजिश में शामिल हुई तुम्हारे कहने पर। आज मैं पहली बार सरपंच की भूमिका निभाऊंगी, आज मैं पहली बार न्याय करूंगी। एक बलात्कारी की सजा क्या होनी चाहिए? बच्चे को जहर देने की सजा क्या होनी चाहिए? तो आज ये तुम्हारी सरपंच बहन तुम्हें न्याय करने का पूरा पूरा मौका देगी। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। एक पढ़ी लिखी औरत हमारे गांव की सरपंच होनी चाहिए, इसलिए आप लोग लता बहन को वोट दें ताकि हम सबको पढ़ने लिखने का मौका मिले। अब से मैं सच्चे मन से समाज की सेवा करना चाहती हूँ। आओ लता बहन। लता देवी जिंदाबाद, लता देवी जिंदाबाद। अपनी सीट संभालो। लता बहन जी जिंदाबाद, लता बहन जी जिंदाबाद, लता बहन जी जिंदाबाद।